सकता। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट, तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर रवाना हो चुके हैं। देखिए लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में तेजस्वी यादव से आज पूछताछ होनी है, संशय बना हुआ था जाएंगे या फिर नहीं। तस्वीरें सामने, तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं। बीते कल इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी जब लालू यादव ईडी दफ्तर के लिए रवाना हुए थे, 9 घंटे उनसे पूछताछ हुई। और आज बारी है बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव की, ईडी से सामना होगा। ईडी दफ्तर के लिए रवानगी तेजस्वी यादव की हो चुकी है, जिसकी सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ईडी की टीम आज लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी। बीते कल उनके पिता लालू यादव से पूछताछ हुई थी, करीब 9 घंटे तक ये पूछताछ चलती रही और आज बारी है तेजस्वी यादव की। और तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर के लिए देखिए रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए आप, मीडिया ने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ लिया, रवाना हुए वो ईडी दफ्तर की ओर। आज का समन था और अब ईडी के सवालों का सामना करेंगे तेजस्वी यादव। कल उनके पिता लालू प्रसाद यादव से 9 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की पटना दफ्तर में। इस बीच में आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद रहे और आरजेडी की ओर से इस पूछताछ के बारे में जो कुछ कहा गया वो लगातार हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव रवाना हो गए हैं, उनसे आज ईडी पूछताछ करेगी। मामला वही है लैंड फॉर जॉब स्कैम का, जिस सिलसिले में कल उनके पिता से पूछताछ हुई उसी मामले में आज उनसे भी पूछताछ होगी। और देखिए कैसे रवाना हुए अपने आवास से निकलकर तेजस्वी यादव, जो के उप मुख्यमंत्री थे अभी कुछ दिनों पहले तक बिहार के, लेकिन अब वहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया है, अब वो विपक्ष के नेता हैं और अब वो रवाना हुए हैं ईडी दफ्तर की ओर। वहां पर उनसे ईडी के अधिकारी लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ करेंगे। देखते हैं कितने सवाल उनसे पूछे जाते हैं और कितनी देर तक उनसे पूछताछ होती है। बिल्कुल, संभावना जताई जा रही थी कि तेजस्वी यादव जा सकते हैं ईडी दफ्तर और अब देखिए वो ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं। मीडिया बात करने की लगातार कोशिश कर रही है लेकिन कुछ भी बोलने की स्थिति में इस वक्त लग रहा है कि नहीं है तेजस्वी यादव, क्योंकि हाथ जोड़कर मीडिया के सामने ये एक संबोधन उनकी तरफ से दिया गया ईडी दफ्तर के लिए उनकी रवानगी, लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला जिसमें लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ तो बिहार में जिस तरीके से सियासी उठापटक हुई और उसके बाद दूसरी तरफ ये तस्वीर, अच्छा ये देख लीजिए आप कि एक तरफ तो झारखंड में भी लगातार जो ईडी की तरफ से पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है हेमंत सोरेन से, वो भी जा रही है, और दूसरी तरफ यहां पर बिहार में किस तरीके से ईडी एक्शन मोड में है ये भी आप देख सकते हैं। तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं, आज तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी। समझना होगा, देखना होगा कि क्या सवाल ईडी के रहते हैं और क्या जवाब तेजस्वी यादव के रहते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर न केवल लालू यादव से पूछताछ होनी है बल्कि उनकी पत्नी, उनकी बेटी से भी पूछताछ होनी है। और आज बारी उनके बेटे की, तेजस्वी यादव की, जिनसे आज पूछताछ होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त सीधे जुड़ गई है। निधि, कल लालू यादव से 9 घंटे तक पूछताछ, आज क्या लग रहा है कितने घंटे तक ये पूछताछ चल सकती है और इस वक्त क्या तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर पहुंचने वाले? बिल्कुल, देखिए यहाँ से ईडी दफ्तर की दूरी मैक्सिमम 15 से 20 मिनट की और ऐसे में तेजस्वी यादव वहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। हमारे सहयोगी शशांक वहाँ पर है। आज लंबी पूछताछ तेजस्वी यादव से चल सकती है, ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 समन में तेजस्वी उपस्थित नहीं हुए थे ईडी के सामने और ऐसे में आज पटना जोनल ऑफिस में उनको बुलाया गया था। पहले से तारीख भी तय कर दी गई थी और कल जिस तरीके से लालू यादव से 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई है, सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की गई थी ईडी की तरफ से। कुछ ऐसे ही सवाल, चूंकि ये लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला है, भी पूछताछ तेजस्वी यादव से आज हो सकती है। लॉयर्स की टीम उनके साथ गई है, साथ में जो आरजेडी से सांसद है राज्यसभा के मनोज झा, वो भी साथ थे। और तेजस्वी को कहीं ना कहीं ये बखूबी पता है कि सवालों का सामना उनको आज करना पड़ेगा और 11 बजे का टाइमिंग था और देर रात तक आज उनसे पूछताछ की जा सकती है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में बाद में तेजस्वी का नाम डाला गया था, आप समझिए कि ये जमीन दो नौकरी लो, ये वो मामला है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे 2004 से 2009 के बीच में और ऐसे में तेजस्वी यादव के नाम पर दिल्ली का न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित जो बंगला है वो ट्रांसफर किया गया। पहले ये अमित कात्याल के नाम पर ये बंगला था और बाद में उसको ट्रांसफर किया गया था। तो कई ऐसे मामले हैं जो तेजस्वी यादव से सवालों की फेहरिस्त में पता ईडी कर सकती है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव को तारीख दी गई थी और आज उस तारीख पर उपस्थित होना था तेजस्वी यादव को और वो अब से कुछ देर पहले निकले हैं, संभवतः ईडी दफ्तर पहुंच गए होंगे और ऐसे में आज लंबी पूछताछ से की जा सके। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।